हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आइए डिस्कस कर लेते हैं 8th और 9th फेब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहली न्यूज़ देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन इम्पोज किया है 136 करोड़ का गूगल पे, राइट। तो इन पे ये आरोप है कि ये सर्चिंग में बायसनेस शो करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिमोनी डॉट कॉम एक है और एक है कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। इन दो लोगों ने इस पे 2012 में कंप्लेंट की थी और इस पे इन्होंने अब एक्शन लिया है, राइट। तो देखिए, सर्चिंग में एक तरीके से गूगल की मोनोपोली है, राइट। तो गूगल क्या करता है, अपने हिसाब से ये क्राइटेरिया या प्रायरिटीज तय करता है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, तो जैसे मैट्रिमोनी का एग्जांपल ले लीजिए, तो मैट्रिमोनी पे हो सकता है ये क्या करें कि मैट्रिमोनी डॉट कॉम जो है इसको शुरू के 3-4 वेबसाइट में ना शो करें, ठीक है, इसको नीचे शो करें या अगले पेज पर शो करें। तो इससे क्या करता है, इससे होता यूँ है कि लोगों को, चूंकि लोग सर्च उन्हीं वेबसाइट को करते हैं जो पहले पेज पे आती है या फ्रंट पे पहली जो दो तीन आती हैं, ठीक है, तो उन्हीं को सर्च करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक लोगों का सर्चिंग का नंबर भी बढ़ जाता है और ये वेबसाइट जो होती है ये कहीं पीछे रह जाती है, ठीक है। तो उसी पे इन्होंने केस किया था, तो उस पे 136 करोड़ रुपये का फाइन इम्पोज किया गया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाता है। तो ये देखिए, ये कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत बनाया गया था और इस एक्ट के तहत 2003 में बनाया गया था, ठीक है, और ये फंक्शनल हुआ था 2009 में, राइट। और इसमें देखिए, एक चेयरपर्सन होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, राइट। तो ये थोड़ी सी डिटेल है इनके बारे में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिएगा। तो इसका मकसद ये है कि कंपटीशन को और कैसे बढ़ाया जाए और उसमें जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं, जो भी माल प्रैक्टिसेस या जो भी मतलब गलत तरीके से अगर कोई चीज़ की जा रही है जो कंपटीशन को इफेक्ट करता है, ठीक है, तो उसके लिए ये बेसिकली ये कमीशन है, राइट। तो ये बेसिकली कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन मार्केट, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ताकि चाहता है कि फेयर तरीके से कंपटीशन मेंटेन रहे। देखिए, गवर्नमेंट ने 1.86 लाख मोर हाउसेज बनाने का अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट ने, ये स्कीम, राइट। तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए, राइट। तो इसमें 1,86,777 अफोर्डेबल हाउसेज बनाए जाएंगे। तो इस स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये स्कीम जो है ये शुरू की गई थी सारे सारे पुअर्स के लिए इन अर्बन एरियाज़ बाई 2022, ठीक है। तो अर्बन एरियाज़ में सारे पुअर को घर देने का प्लान है 2022 तक, राइट। तो गवर्नमेंट की ये बहुत ही फेमस स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर्स हाउसिंग फॉर ऑल, राइट। तो ये थोड़ा सा आप इसको भी देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, इंडिया ने 44th रैंक प्राप्त किया यूएस की चैम्बर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, राइट। तो 50 कंट्रीज़ का ये इंडेक्स है और इसमें इंडिया की रैंक देखिए 44 है, यानी कि बहुत पीछे है, 50 में मतलब हम पीछे से 6ठे नंबर पे हैं, राइट। पिछले साल इनकी सिचुएशन तो अच्छी थोड़ी बेहतर थी, 43 थी, इस बार 44 हो गई है और इनका स्कोर जो है वो 8.4 है। यूएस ने इसमें टॉप किया है और यूएस के बाद ये है यूके है, स्वीडन है, राइट। तो ये देखिए, इसको जो इंडेक्स जो रिलीज़ किया जाता है, ये बेसिकली कह रहे कि एनुअल रिपोर्ट होती है जो कि प्रिपेयर की जाती है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा, ठीक है ना, ऑफ द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इसको याद रखिएगा आप, जिस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका GIPC है, तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, और ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये देखिए, जंदरिया एक जगह है रियाद में, ठीक है, सऊदी अरबिया में रियाद के पास एक विलेज है जंदरिया, वहाँ पे हर साल ये एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। तो इस बार सुषमा स्वराज ने इसका इनाग्रेशन किया है, ठीक है, सुषमा स्वराज ने इसका इनाग्रेशन किया है। ये जो फेस्टिवल है ये सबसे पहले 1985 में हेल्ड हुआ था और उसके बाद से ये फरवरी मार्च में हर साल ये होता आया है, ठीक है। और इस बार जो फेस्टिवल की थीम थी वो थी सऊदी का दोस्त भारत। तो इसमें देखिए, बेसिकली इसमें होता ये है कि कैमल रेस, हॉर्स रेस, इस टाइप से चीज़ें उसमें आयोजित की जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जेंद्रिया ये सऊदी अरबिया का एक फेस्टिवल है। ये देखिए, खेलो इंडिया स्कूल गेम जो शुरू हुआ था, तो जिसके प्रधानमंत्री ने जिसका इनाग्रेशन किया था, राइट, तो 31 जनवरी से 8 फरवरी तक चला। तो फाइनली इसमें ये कह रहे हैं कि देखिए, 16 डिसिप्लिन में हुआ था और अंडर 17 कैटेगरी का ये गेम था, राइट। और 5,000 से ज़्यादा स्कूल इसमें शामिल थे, 5,000 से ज़्यादा स्कूल चिल्ड्रेन इसमें शामिल थे 29 स्टेट के, ठीक है।
और इसमें देखिए टोटल 199 गोल्ड मेडल, 199 सिल्वर और 275 ब्रॉन्ज मेडल्स अवार्ड किए गए। तो सबसे ज़्यादा जो अवार्ड विनर रहा है स्टेट वो रहा है हरियाणा, उसके बाद रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, दिल्ली, इस तरीके से ये लिस्ट आगे है। तो आप याद रखिएगा हरियाणा जो है वो एक तरीके से ओवरऑल चैम्पियन रहा है इस गेम का। देखिए, हमने आज की न्यूज़ में डिस्कस किया है महामस्तक अभिषेका के बारे में, तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसका इनाग्रेशन किया। ये 88th महा ये महामस्तक अभिषेका है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 88th महामस्तक अभिषेका ऑफ लॉर्ड गोमतेश्वर। लॉर्ड गोमतेश्वर वही है जिनको बाहुबली भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये इनकी आइडल का को अनवील किया वहाँ पे। और ये जो जगह है ये श्रवण भेलागोला है। ठीक है, हसन डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका की है वहीं पे ये श्रवण भेलागोला में इन्होंने इसका इनाग्रेशन किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, महामस्तक अभिषेका जो है इज़ अ हेड एनोइंटिंग सेरेमोनी परफॉर्मेंस वंस इन 12 ईयर्स ऑफ 47 फीट। इनकी मोनोलिथिक स्टैचू है लॉर्ड बाहुबली की। ठीक है, लॉर्ड बाहुबली या गोमतेश्वरा भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, चूंकि इसका इनाग्रेशन किया था राष्ट्रपति ने, तो और ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। राइट, अगली न्यूज़ देखिए, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, MSME एक्ट में चेंज किया गया है, और ये बेसिकली चेंज किया गया है इसके क्लासिफिकेशन जो क्राइटेरिया है उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, पहले जो MSME का क्लासिफिकेशन होता था वो इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे होता था, अब इसको कर दिया गया है टर्नओवर की बेसिस पे। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम कि क्या है टर्नओवर और कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाना है। उससे पहले ये देख लेते हैं कि इस देखिए पर्पज़ ऑफ द अमेंडमेंट टू सेक्शन 7 ऑफ MS, देखिए इसी में इस सेक्शन जो है सेक्शन 7 ऑफ MSME एक्ट में चेंज किया गया है। कह रहे हैं कि इसका मकसद ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसको इंकरेज किया जाए। ठीक है, और MSME क्लासिफिकेशन नॉर्म्स ग्रोथ ओरिएंटेड एंड अलाइन देम टू न्यू इंडायरेक्ट टैक्स रिजाइम रिवॉल्विंग अराउंड GST। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि MSME का क्लासिफिकेशन जो है वो कह रहे हैं कि ओरिएंटेड हो और अलाइन हो, जो आपके GST हो उसको मतलब एक तरीके से अलाइन, उसके अलाइन के लिए इन्होंने इसको किया है। राइट, MSME एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 80% जो जॉब होती है एग्रीकल्चर के बाद वो क्या करता है, वो ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इधर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर, इट प्रोवाइड 80% ऑफ द जॉब्स इन इंडस्ट्री विथ जस्ट 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। राइट, तो ये याद रखिएगा, आपकी 80% जो इंडस्ट्री में जॉब होती है वो MSME के द्वारा प्रदान की जाती है, और 20% इसका इन्वेस्टमेंट है, और 31% ऑफ द नेशनल GDP को ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा देखिए, हाँ, क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो देखिए, माइक्रो इंटरप्राइजेस वो होंगी जिनका टर्नओवर जो होगा 5 करोड़ तक का होगा। ठीक है, स्मॉल जो होंगी 5 से 75 करोड़, और मीडियम उनको कहेंगे जो कि 75 से 250 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्राइटेरिया पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा अगली न्यूज़ देखिए, न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी सेकेंड मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया। ठीक है, तो बालासोर, चांदीपुर के बालासोर से इसको टेस्ट फायर किया गया, और ये जो है सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है। ठीक है, इसके अलावा ये इंडिजिनियसली डेवलप है। राइट, तो इसको याद रखिएगा, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, इंडिजिनियसली डेवलप और सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है, और इसकी जो कैपेबल कैरिंग कैपेसिटी है जो वो है 500 से 1000 किलोग्राम ऑफ वारहेड्स। राइट, और रेंज की बात करें तो ये 350 किलोमीटर इसकी रेंज होगी। ठीक है ना, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, पृथ्वी सेकंड सरफेस टू सरफेस इंडिजिनियसली डेवलप और 350 इसकी किलोमीटर रेंज है, 500 से 1000 किलोमीटर का पायलोड ये ले जा सकता है। ठीक है, वारहेड्स कैरी कर सक ठीक है ना, कैरी कर सकता है। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने देखिए एक कमेटी बनाई है, तो कमेटी जानते ही हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इस कमेटी का नाम याद रखिए, विनयशील ओबेराय कमेटी, और ये कमेटी एक्सपेडाइट कैपिटल एक्विजिशन के लिए बनाई गई है। ठीक है ना, तो विनयशील ओबेराय कमेटी याद रखिएगा, टू एक्सपेडाइट कैपिटल एक्विजिशन। राइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्स्टिट्यूट की है 13 मेंबर की, ये रक्षा मंत्री एडवाइजरी कमेटी ऑन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कैपिटल है ये। ठीक है ना, तो ये कह रहे कि कमेटी मॉनिटर करेगी और एक्सपेडाइट करेगी कैपिटल एक्विजिशन प्रोजेक्ट फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्स एंड ब्लास्टर आर्म फोर्सेस प्रिपेयरनेस। ठीक है ना, तो मॉडर्नाइजेशन आर्म फोर्स को और मॉडर्नाइज कैसे किया जाए, और इसके अलावा आर्म फोर्सेस को प्रिपेयरनेस के लिए ये कमेटी ये सब ये सारी चीज़ें देखेगी। राइट,
तो नाम याद रखें। देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो टारगेट था वो पहले 5 करोड़ था, तो उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है, अब 8 करोड़ कर दिया है। ठीक है, तो और जो ये टारगेट होगा 8 करोड़ का, इसको अचीव किया जाना है 2020 तक। उसके लिए 48,000 करोड़ एलोकेट किए गए। राइट, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 5 करोड़ पहले था, इसको गवर्नमेंट ने अब एक्सटेंड कर दिया है, 8 करोड़ कर दिया। राइट, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बेनिफिशियरी जो है उसको भी गवर्नमेंट ने और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो उसमें अब ये कह रहे हैं कि इसकी इस स्कीम के तहत सारे SC ST जो है वो आ जाएंगे, अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो लोग आते हैं वो भी आएंगे, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाले भी सारे लोग आ जाएंगे, फॉरेस्ट डवेलर्स, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज जो है वो भी आ जाएंगे, TN XT गार्डन ट्राइब्स, पीपल रिसाइडिंग इन आईलैंड रिवर ETC, ये सारे लोग अब इसके बेनिफिशियरी बन सकते हैं। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने देखिए MSP को हाइक किया है। कोपरा, कोपरा क्या होता है? कोपरा देखिए, कोकोनट जो होता है ना, कोकोनट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसी को शायद कोपरा कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को इन्होंने किया है। और इसको देखिए, देखिए MSP का जो काम होता है वो देखती है CACP। ठीक है, और ये आती है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर। राइट, तो CACP जो है ये रिकमेंड करती है, और इसके रिकमेंडेशन को अप्लाई कौन करता है? ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट में कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो याद रखिएगा, ये CACP जो होती है ये रिकमेंडेशन देती है। ठीक है, और इसके अलावा कह रहे कि हाँ, ये कह रहे कि नाफेड जो है, नाफेड और ये एक और NCCF, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कह रहे हैं कि एक MSP के लिए, कोकोनट के MSP के लिए ये एक नोडल एजेंसी बनी रहेंगी। ठीक है, तो MSP क्या होता है? MSP देखिए, एग्रीकल्चर मार्केट में एक इंटरवेंशन है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या करते हैं कि क्रॉप जब सो की जाती है, तो उससे पहले ही, सोविंग सीजन से पहले ही गवर्नमेंट क्या करती है, एक कुछ सर्टेन क्रॉप्स के लिए उसकी जो प्रोड्यूसर है उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है, इनकी प्राइसेस को अनाउंस कर देती है। ठीक है, कि हम इतने जो इसकी जो आप जो क्रॉप शो कर रहे हो वो उसकी कम से कम इतनी प्राइस वो हम देंगे। ठीक है, अगर मार्केट में वो नहीं बिकी तो इतनी प्राइस में हम खरीद लेंगे, उसी को कहा जाता है ये MSP। ठीक है ना, तो ये MSP याद रखिएगा। और आपने जिसे हमने देखा कि ये डिसाइड की जाती है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, और रिकमेंडेशन किसका होता है? CACP का होता है। CACP क्या है? CACP जो है ये एक बॉडी है जो कि आती है किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। ठीक है, 1965 से ये एग्जिस्ट कर रही है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा अगली न्यूज़ देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जो है फेलोशिप जो स्कीम आई है उसके बारे में। तो इसका मकसद ये है कि रिसर्च को और कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो रिसर्च फेलो स्कीम, इसमें ये देखिए गवर्नमेंट कह रही है कि अंडर इट बेस्ट स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड और इन फाइनल ईयर ऑफ द बीटेक, ठीक है, या इंटीग्रेटेड एमटेक कर रहे हो या MSc कोर्स कर रहे हो साइंस एंड टेक में, तो इनको क्या किया जाएगा? IISc, IIT, IISER, NIIT, IIT, IIIT, इनमें क्या किया जाए? इनको डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा PhD प्रोग्राम में। ठीक है, और मिनिमम कह रहे हैं कि 3,000 फेलो होंगे और ये 3 साल में ये सिलेक्ट किए जाएंगे। राइट, तो इनमें जो मंथली फेलोशिप होगी वो होगी 70,000 रुपये फर्स्ट 2 ईयर्स तक, फिर उसके बाद 75,000 रुपये फॉर थर्ड ईयर एंड 80,000 फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। राइट, तो ये सारी डिटेल्स हैं, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट स्कीम है। इस बार बजट में इसको पेश किया गया इस स्कीम को। ठीक है, अगली न्यूज़ देखिए, कैबिनेट अप्रूव्स रेटिफिकेशन ऑफ मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी। तो मरकरी से कौन सी डिजीज होती है? मिनीमाता। ठीक है, तो ये बेसिकली जापान का नाम है, जापान जापान सिटी है मिनीमाता, वहाँ पे मरकरी की पॉइजनिंग हुई थी, तो उसी के पे इसका नाम पड़ गया मिनीमाता। राइट, तो इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, इस कन्वेंशन को, तो इंडिया भी मतलब अब एक पार्टी हो गया इस कन्वेंशन का। राइट, तो ये कन्वेंशन वाज एग्रीड एट 5th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी ऑन मरकरी इन जेनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड, इन जनवरी 2013, एंड वाज अडॉप्टेड इन 2013 एट डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस इन काठमांडू, कुमोमोतो, जापान। तो इसमें देखिए बेसिकली होता क्या है कि मरकरी माइंस जो होती है उन पर बैन लगाया जाता है, और मरकरी जो यूज़ की जाती है उसको फेज आउट किया जाता है, मतलब मरकरी से होने वाले हेल्थ इफेक्ट से बचने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है,
अगली न्यूज़ देखिए, कैबिनेट अप्रूव्स पुटिंग आईएलओ रिकमेंडेशन बिफोर पार्लियामेंट। राइट, तो कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर लिया है आईएलओ जो है, आईएलओ का जो एक रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन नंबर 205, उसके लिए आईएलओ ने रिकमेंडेशन अडॉप्ट करने के लिए पार्लियामेंट को भेजा है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में पुट किया है। तो रिकमेंडेशन जो 205 है, ये कह रहे हैं कि 2015 जनेवा में इसको अडॉप्ट किया गया था, 106th जो सेशन हुआ था उसमें। तो ये अप्लीकेबल कह रहे हैं कि देखिए है क्या आखिर ये रिकमेंडेशन है क्या। तो ये देखिए बेसिकली इम्फेसाइज करेगा और इंश्योर करेगा रिस्पेक्ट टू ऑल ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ द लॉ। ठीक है, और ये चाहता है कि जो भी इट प्रोवाइड गाइडेंस एंड मीज़र टू बी टेकन टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क। ठीक है ना, तो डिसेंट वर्क फॉर पर्पज ऑफ द प्रिवेंशन, रिकवरी, पीस एंड रेजिलियंस विद रिस्पेक्ट टू क्राइसिस सिचुएशन राइजिंग फ्राम द कॉन्फ्लिक्ट डिजास्टर। राइट, तो एक तरीके से जो लेबर्स होते हैं उनको डिसेंट वर्क प्लेस प्रोवाइड करने के लिए, और उनके जो इशूज़ होते हैं उनको कवर करता है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं आईएलओ के बारे में। आईएलओ कह रहे हैं कि देखिए एक नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी है, यूएन की एजेंसी है, और ये डील करती है लेबर इश्यूज को। ठीक है, और पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करती है, इसके अलावा वर्क अपॉर्चुनिटीज़ का भी काम ये देखती है। ठीक है, 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज अ लीग ऑफ नेशन। राइट, इसको याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके अभी 87 मेंबर हैं और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है ना, हाँ, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।